सम्राट अशोक को दबाने के लिए रामायण और महाभारत जैसी मिथक कथाएं लिखी गई हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग में जो महायुद्ध किया था उसकी चर्चा संपूर्ण भारत खंड में प्रचलित थी। इस युद्ध ने अशोक को महान सम्राट बना दिया था। ब्राह्मण किसी भी तरह से सम्राट अशोक का वजूद खत्म करना चाहते थे, इसलिए अशोक के कलिंग युद्ध को छिपाने के लिए उन्होंने रामायण और महाभारत जैसी काल्पनिक युद्ध कथाएं लिखी। महाभारत में अर्जुन अपने 100 कौरव भाइयों को मारता है, इधर अशोक भी अपने 100 भाइयों को मारकर सम्राट बनता है। सन 515 से 555 के दरमियान मिहिरकुल तोरामन जैसे हून आक्रमकों ने बौद्ध चैत्यों को नष्ट कर दिया था। इस ऐतिहासिक घटना को रामायण में मिथक कथा के रूप में बताया गया है कि हनुमान ने लंका में चैत्यों को नष्ट कर दिया था। हूनों को रामायण में हनुमान के रूप में दिखाया गया है। वास्तव में सम्राट अशोक महान बलवान सम्राट था। दुनिया के सभी राजा उससे डरते थे। वह केवल पत्र लिखकर इशारा देता था और सीरिया, ग्रीस, सिलोन, चोल, पंड्या के राजाओं ने पत्र पढ़कर ही सम्राट अशोक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इससे हम समझ सकते हैं कि अशोक कितना महाबली था। वह बुद्ध का भगवादारी बलशाली अनुयायी था, इसलिए अशोक को बजरंग बली महाबली कहा गया है। यही विशेषण हनुमान जी को भी लगाए गए हैं। अशोक ने विप्रो का मान सम्मान खत्म कर दिया था, इसलिए उसे हनुमान कहा गया है। मान खत्म करने वाला हनुमान अर्थात अशोक ही मिथकों का हनुमान है। अशोक के वास्तविक इतिहास को मिटाने के लिए इस तरह की छोटी छोटी मिथक कथाओं की खिचड़ी रामायण और महाभारत में जमा कर दी गई है। रामायण और महाभारत की एक एक कथा का हमें तर्क के आधार पर विश्लेषण करना होगा, तभी उनमें छिपा हुआ सत्य सामने आ पाएगा। पुष्कर भटनागर ने कहा है, भारत में अशोक को कोई नहीं जानता, सभी लोग राम को ही जानते हैं। अरे भाई, आप लोग अगर अशोक को राम के नाम से सामने लाओगे, उसका निरंतर प्रचार प्रसार करोगे, तो सभी लोग अशोक को राम के नाम से ही पहचानेंगे, अशोक के नाम से नहीं। हमारे लोग कह रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है, लेकिन यह थ्योरी गलत है। पुष्यमित्र एक भगोड़ा राजा था। वह जिंदगी भर केवल भागता रहा, उसने एक भी युद्ध जीता नहीं था। राजा खारवेल, राजा मिनांदर जैसे राजाओं ने उसे एक दिन भी चैन से नहीं जीने दिया, बल्कि सम्राट अशोक की रामायण का राम और महाभारत का अर्जुन है। धम्मपद में कहा गया है कि धम्म में रमने वाला ही सच्चा धम्म अनुयायी है। सम्राट अशोक धम्म में रमने वाला असली धम्मा राम है, इसलिए इसे अशोका राम या धम्म में रमने वाला राम भी कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि अशोक ही राम है।